नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप शर्मा। आज का जो मेरा वीडियो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं दिल्ली के, उन्होंने यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट आपको शो करके बता रहा हूँ, यानी कि सॉल्व करके बता रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों के पास पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हेल्प की बच्चों के लिए ज़रूरत है। मैं लगातार इस तरीके की वीडियो बनाता रहूंगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/1 cot² a, इनमें से कौन से किसके इक्वल होगा। तो 1/cot² a cosec स्क्वायर होता है, उसका उल्टा sin स्क्वायर होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एलसीएम बताना है इसका। तो आपको पता होगा हाईएस्ट पावर जो होती है सभी की उसे एलसीएम कहते हैं, यानी कि ए स्क्वायर और बी क्यूब जो हो जाएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखें, ये आपको कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, 0, 2 और 3, 0 यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट हैं। तो आपको बताना है कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो कितने सॉल्यूशन इस लाइन के हो सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इजी सा पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, यानी कि बेसिक का जो लेवल है वो यही होने वाला है। इसी तरीके के क्वेश्चन को बच्चे फोकस करें, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, उसे आप देखते रहिए। डिस्टेंस बताना है इसका, तो डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि XOF एंगल बताना है, यानी XOF एंगल का मतलब है ये एंगल बताना है, ये 35 है तो ये 70 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा तो ये 110 हो जाएगा, यानी कि ये 55 होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, ये क्वेश्चन आने ही वाला था, मैं आपको लगातार बताता रहा हूँ, d इक्वल टू जीरो कर लें, k की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का बतानी है 30-40 की, तो 30-40 ये है और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे पहले, ये 5 होगा, 7 होगा, 13 होगा, 21 होगा, तो 21 इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यहाँ पर देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, यानी कि टेन थीटा 1 के इक्वल है, यानी थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9, तो आप देखिए इसका 20th टर्म बताना है, तो 20th टर्म यानी a प्लस 19 d आप निकाल देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाना है, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपको पॉलीनोमियल चैप्टर से पता होगा, माइनस b अपॉन a होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि a ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये 10वां जो क्वेश्चन है, यदि ये 10 क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बाद में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर बताना है आपको कि इसका डेसिमल कितना होगा, तो देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल हमें पता ही नहीं लगेगा। उसके बाद में इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी कि बाइसेक्ट, ये लाइन किससे बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। यहाँ पर तो बहुत सीधी सीधी थ्योरम का यूज करेंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, यानी कि अगर ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, तो बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर मैं आपको बताऊं, तो देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। यहाँ पर देखिए साइन 18 अपॉन कॉस 72 आंसर 1 आ जाना है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व कर देंगे। 16 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत आसान सा दिया है प्रोबेबिलिटी का, कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, 12/52 हो जाएगी। इसी तरीके से इस टर्म की कौन सी टर्म 235 होगी, यानी ए एन की वैल्यू 235 रखेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो 18th क्वेश्चन में आपको बताना है आर की वैल्यू क्या है, अगर बी की वैल्यू 4 है, तो अगर 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0, 1, 2, 3 रिमाइंडर होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका मिड पॉइंट बताना है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो और एक क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम से है, ये 1.5 है, 2 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, यानी कि a/a = a/a हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन लिया है, यानी कि जो बात मैं आपको पहले से कहता चला रहा हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चे हर एक कांसेप्ट को पढ़ें, क्योंकि बहुत आसान लेवल उनका आने वाला है। वीडियो को शेयर करें, थैंक यू वेरी मच, ऑल द